Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut. 500 crore rupees ki sarkari jameen bechkar arabpati bana Meerut Kankadkheda ka bhumafia Akhilesh Goel ke jail se aane ke baad bhi hausle buland hain. आरोप है कि अखिलेश गोयल व उसके गैंग ने 19 अक्टूबर को एससी जाति के लोगों से मारपीट कर उनकी ग्राम जेवड़ी में जमीन पर कब्जा करते हुए खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। इस आशय की तहरीर थाना कंकड़खेड़ा पुलिस को दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 19 अक्टूबर से ही कई अफसरों के कार्यालय पर धरना दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब कार्रवाई के आश्वासन पर एसएसपी ऑफिस पर आजाद अधिकार सेना के बैनर तले चल रहा धरना आज स्थगित कर दिया गया। गंभीर बात यह भी है, अखिलेश गोयल द्वारा जो भी सरकारी जमीन बेची गई है वह थाना कंकड़खेड़ा के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कंकड़खेड़ा थाना पुलिस का अखिलेश व उसके गैंग को खुला संरक्षण प्राप्त है, इस आशय के आरोप हमेशा लगते रहे हैं। आज भी एसएसपी ऑफिस पर पीड़ित परिवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी के तीखे तेवर देखने पड़े। देखिए इस बारे में आजाद अधिकार सेना के संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह राणा ने मीडिया को यह जानकारी दी। मेरा नाम देवेंद्र सिंह राणा है, मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं आजाद अधिकार सेना से। ये एक मामला गांव जेवरी थाना कंकड़खेड़ा का है। ये एससी समाज के लोग हैं, एक कुख्यात भूमाफिया है अखिलेश गोयल, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा भूमाफिया है, जिस पर तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं। और वो एससी समाज के लोगों की ही जबरन और धोखाधड़ी से, पावरटोनी से ज़मीनें कब्जाता है और अवैध प्लाटिंग, फ्लैट, मकान, दुकान बनाकर बेच देता है। उसके द्वारा इनकी ज़मीन पर दिनांक 19/10/24 को अपने ट्रैक्टर और जेसीबी से इनकी खड़ी फसल जोत दी गई। इनकी ये पुश्तैनी ज़मीन थी। लगभग 30 वर्ष से तमाम न्यायालयों में इस ज़मीन पर मुकदमा विचाराधीन है, उसके बावजूद भी उसने दबंगई और गुंडाई के बल पर इन लोगों को जाति सूचक शब्द कहे, जान से मारने की धमकी दी, महिलाओं के साथ अभद्रता की और इनको इनकी ज़मीन से भगा दिया गया। जिसके संबंध में आपने धरना समाप्त किया है, कब से धरना चल रहा था? ये धरना दिनांक 21 तारीख से कमिश्नरी पार्क पर और 19 और 20 तारीख से एसएसपी और आईजी साहब के यहाँ और एसडीएम सरदना के यहाँ पर रहा था। जी, आज हमने धरना समाप्त किया है। अधिकारियों ने कहा है कि हम लगभग 2 सप्ताह में इस मामले का निस्तारण करेंगे, इस पर एक आपराधिक मामला दर्ज करेंगे। जो इनके द्वारा जमीन कब्जा गया उस प्रकरण को प्रशासन देखेगा और बाकी जो आपराधिक कृत्य है उसमें पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र का मामला है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।